वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। सेव टमाटर की सब्जी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है और आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। और अभी मैं जो मेजरमेंट आपको बताऊंगी उससे आप 4 से 5 लोगों को सर्व कर सको, उतनी सब्जी बनकर रेडी होगी। तो चलिए ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी किस तरह से बनानी है वो देख लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने टोटल 500 ग्राम टमाटर लिए हैं, जिसमें से 4 टमाटर को मैंने वॉश करके इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है और 2 टमाटर को मैंने वॉश करके कद्दूकस कर लिया है, मतलब टोटल 6 टमाटर मैंने लिए हैं और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च मैंने ली है। अब सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 5 से 6 टेबल स्पून जितना ऑयल लेके उसे गर्म करने के लिए रख देंगे। ऑयल की क्वांटिटी सब्जी में थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जितनी राई ऐड कर देंगे। राई हो चुकी है, गैस लो करें और उसमें थोड़ा जीरा ऐड करें। कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, आप स्वाद अनुसार प्लस माइनस कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। मिर्ची तुरंत ही फ्राई हो जाती है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी को अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर दे। कटे हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे और टमाटर अच्छे पके हुए और लाल कलर के लिए तो सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, एक बार इसे मिक्स कर ले। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और स्लो टू मीडियम गैस पे इसे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हुआ है, ढक्कन हटा देंगे और जो टमाटर हमने कद्दूकस करके रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसे 3-4 मिनट के बाद ऐड किया है। सब्जी को मिक्स कर ले और फिर से ढक्कन लगा दे। 3 से 4 मिनट बाद फिर से इसे खोल देंगे। अब इसमें मसाले करते हैं तो 2 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर हम ऐड कर देंगे। मसाले अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स कर ले। मसाले मिक्स हो चुके हैं, फिर से ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब देख सकते हैं मसाले पक चुके हैं और सब्जी में तेल धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। इस टाइम पे इसमें 1 बाउल हम बेसन की सेव ऐड करेंगे। जो हम भेल बनाने के लिए यूज करते हैं वो सेव लेनी है। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। सब्जी को मिक्स कर ले। सेव किस तरह से बनानी है उसकी रेसिपी मैंने चैनल पे बताई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। सेव ऐड करने की वजह से सब्जी ड्राई हो जाएगी तो इस टाइम पे हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 बाउल जितना मैंने पानी इसमें ऐड किया है। तो मसाले जब भी आप करें तो आप टमाटर और सेव की क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखे मसाले करें, नहीं तो सेव ऐड करने के बाद सब्जी फीकी बनेगी। पानी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, गैस लो कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। स्लो गैस पे इसे 2 मिनट पकने देंगे। थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैंने फिर से इसे ढक दिया है और इस तरह से तेल ऊपर आए तब तक सब्जी को पकाना है। तो टोटल इस सब्जी को बनने में 8 से 10 मिनट जितना टाइम लगा है। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सब्जी का टेक्सचर आ चुका है। तो गैस बंद कर देंगे और सब्जी को अब हम सर्व करेंगे। अब हमारी सेव टमाटर की सब्जी सर्विंग के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार इस तरह से सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।